हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। इसे लंच बॉक्स में भी ले जाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल लेते हैं, 1/2 छोटा चम्मच राई डाल लेते हैं और आप देख सकते हैं जीरा और राई जो है चटकने लगी है। तो हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ आलू डाल लेते हैं। आलू को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसे छील के छोटे टुकड़ों में काटा है। बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ों में हमने इसे नहीं काटा है ताकि ये जल्द ही पक जाएंगे। आलू को हमने 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें कटा हुआ पत्ता गोभी डाल लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी का हमने 1/2 पीस जो है उसे हमने काट के इसमें डाल लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 कप हरी वाली मटर। अब इन सबको हम मिला लेते हैं। ये सब्ज़ी जो है वो खाने में तो टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी भी हो जाती है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। ये बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी है पर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई करें। तो अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक हमने डाल लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नमक डालने के कारण पत्ता गोभी से हल्का पानी छोड़ेगा तो इससे जो सब्ज़ी है वो बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो इसे हम ढक करके पका लेते हैं जिससे कि सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो सब्ज़ी को हमने ढक लिया है और बीच बीच में इस तरह से हम ढक्कन हटा के इसे चलाते जाएंगे और इसी तरह से हम करीब 10 से 12 मिनट के लिए सब्ज़ी को पका लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से बन चुकी है, काफ़ी अच्छी तरह से ये गली है और ये आप देखिए आलू जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर से इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। सब्ज़ी को मिला लेते हैं और टमाटर के गल जाने तक इसे हमें पका लेना है। तो इसे फिर से हम ढक करके पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट के में जो ये टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो बीच में हमने एक बार इसे चला लिया था और यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये हमारी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट बन के ये सब्ज़ी तैयार हुई है। तो इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही ये टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आलू मटर और पत्ते गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।